अब हम आज से शुरू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। तो क्लास 12th में सीबीएसई ने अब की बार सॉलिड स्टेट को ऐड कर लिया है। तो ये वीडियो सीबीएसई, आरबीएसई और अदर बोर्ड जो भी हैं उसके साथ साथ आईआईटी या नीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आईआईटी और नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको असाइनमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। इसके अलावा सीबीएसई और आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स को भी रेगुलर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। मैं वहाँ पे क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स आपको देता रहूँगा, वो असाइनमेंट्स आपको सोल्व करते रहने हैं। और आज हम पहले लेक्चर से शुरू करने वाले हैं, इसके बाद रेगुलरली मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी थोड़े कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए अपन स्क्रीन से पढ़ने की थोड़ी कोशिश करेंगे। जैसे ही कैमरे का इशू रिजोल्व होता है मैं आपको लाइव ऑन बोर्ड पे पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले 12th के हर स्टूडेंट को ये वीडियो आप भेजें ताकि उनको फ़ायदा हो, उनकी पढ़ाई रेगुलरली चलती रहे। और सब अपनी कॉपी लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर रूप से, और नोट्स के बाद क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं ग्रुप में आपको भेजता रहूँगा। वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर रूप में करने हैं गाइज, तब जाके अपन इस पूरी यूनिट को कवर कर पाएंगे। तो सॉलिड स्टेट अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमें पता है इस पूरे यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, पूरे यूनिवर्स में अपने पास, यूनिवर्स की अगर बात करें तो यूनिवर्स में दो चीज़ें अपने पास, एक तो अपने पास मैटर होता है और एक क्या होती है, एनर्जी होती है ना। तो यूनिवर्स में दो चीज़ें, एक तो मैटर और एक क्या है, एनर्जी। अब मैटर की बात करें तो मैटर की अगर मान लो हाई लेवल में बात करें तो 5 स्टेट होती है, लेकिन अपन पीएचडी तक अपना 3 स्टेट में ही काम चल जाता है। तो मैटर में मटेरियल या कंपाउंड सेम होते हुए भी उनकी अलग अलग स्टेट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ आइस, वाटर और वेपर, वाटर वेपर की बात करें, ठीक है, स्टीम की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पता है H2O मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे भी H2O मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे भी कौन सा मॉलिक्यूल होता है, H2O। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे भी H2O बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहाँ पे भी H2O बहुत सारे पार्टिकल हैं, और यहाँ पे भी H2O बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो अब फर्क क्या है इन तीनों में? तो फर्क ये है गाइज, फर्क यहाँ से अपने को पता चलेगा, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्क ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस अलग अलग है। सॉलिड में सबसे कम डिस्टेंस होता है पार्टिकल, मतलब दो H2O के मॉलिक्यूल है उन दो H2O के मॉलिक्यूल में सबसे कम डिस्टेंस सॉलिड में होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड में, और बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो कौन सी स्टेट में होगा, गैसीय स्टेट में, ठीक है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीनों स्टेट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं और दोनों अपोजिट फैक्टर होते हैं। दीज स्टेट्स आर रिजल्टेंट ऑफ टू अपोजिट फैक्टर्स। और ये दो अपोजिट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और एक क्या होता है, थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स तो पार्टिकल्स को पास पास रखने की कोशिश करेगा, बाइंड करने की कोशिश करेगा, और थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर दूर करने की कोशिश करेगी। थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को क्या करने की, दूर दूर करने की कोशिश करेगी, ठीक है। थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर दूर करने की कोशिश करेगी, बोलो क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को बाइंड करने की कोशिश करेगा और थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर दूर करने की कोशिश करेगी। थर्मल एनर्जी एज द नेम सजेस्ट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोवाइड बाय द टेम्परेचर, वी कैन सिंपली से दैट थर्मल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, बोलो क्लियर है? टेम्परेचर अगर कम होगा तो थर्मल एनर्जी कम होगी, ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी गाइस, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब हम इस बेसिस पे 3 पॉसिबल केस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3 पॉसिबल हम केस बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार ध्यान से समझना पॉइंट को, अभी तक हमें ये समझ में आ गया मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो तीनों स्टेट में सेम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, दो अपोजिट फैक्टर्स के मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टू अपोजिट फैक्टर्स वी आर डिसाइडिंग देयर मे बी 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब दो अपोजिट फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो पार्टिकल्स को बाइंड करने की कोशिश करेगा। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। और दूसरा थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल्स को दूर दूर करने की कोशिश करेगी, बोलो क्लियर है? द पॉसिबल केसेज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फैक्टर। अब सबसे पहला पॉसिबल केस क्या है, अगर मान लो टेम्परेचर बहुत कम है, सफिशियंटली लो टेम्परेचर, मतलब थर्मल एनर्जी क्या होने वाली है, बहुत कम। तो थर्मल एनर्जी जब बहुत कम हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उस टाइम सॉलिड स्टेट, सीधी सी बात है, जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा
ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हायर या मच हायर देन थर्मल एनर्जी, देन इट विल बी द सॉलिड स्टेट ऑफ द मटेरियल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर मान लो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्लाइटली हायर देन थर्मल एनर्जी, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्लाइटली हायर देन थर्मल एनर्जी, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, स्टेट कौन सी होगी, लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है अभी भी, लेकिन क्या है, स्लाइटली हायर देन थर्मल एनर्जी। और गैसीय स्टेट में थर्मल एनर्जी इज मच हायर देन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब पार्टिकल्स दूर दूर रहना पसंद करेंगे, और इसीलिए पता हमें, देखो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल, या फिर हम उसको जीरो भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स, जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं उसको। बोलो क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट अब बात करें, तो हमें यहाँ तक पता चल चुका है कि कोई भी मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों स्टेट में होगा, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच मच हायर देन थर्मल एनर्जी, ठीक है। इसी तरह लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट ऑफ सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट पॉइंट अपना क्या है, थर्मल एनर्जी इसमें थोड़ी सी स्मॉल होगी, यस वेरी स्मॉलर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, थर्मल एनर्जी इज मच हायर, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच लेसर और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी वेरी हायर इन गैसियस स्टेट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हम नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं गाइज, अगर अपने को याद हो तो, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में भी हम ये पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या होता है, ठीक। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं गाइज, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, तो सॉलिड का जो मास होता है वो डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, और शेप भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। अब हमें पता, देखो क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो वो इधर उधर जा ही नहीं सकते। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मान लो मैं एक रूम में पूरी क्लास में अगर मान लो खचाखच बच्चे बैठे हों, ठीक है, तो क्या वो इधर उधर दौड़ सकेंगे, नहीं दौड़ सकेंगे ना। तो इसीलिए अब ये पार्टिकल्स दौड़ नहीं सकते, और दौड़ नहीं सकते मतलब अपने पास देखो दो टाइप के, तीन टाइप के मोशन होते हैं, एक तो रोटेटरी मोशन होता है, एक वाइब्रेटरी मोशन होता है, और एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है। रोटेटरी मोशन तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो इसको कंपेयर नहीं करते हैं, तो अपन दो मोशन की बात करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या, पार्टिकल्स एक ही जगह पे रहे और टू एंड फ्रोथ मूवमेंट थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता रहे, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो पार्टिकल हल्का इधर जाएगा तो पीछे वाला खींच लेगा। तो ये सॉलिड स्टेट में तो कौन सा मोशन पॉसिबल है, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन लिक्विड और गैसियस स्टेट में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वो पार्टिकल्स को या एक जगह पे रिजिड कर सके, फिक्स कर सके, इसलिए उनमें कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी। और इसीलिए लिक्विड और गैस दोनों को हम फ्लूइड भी बोलते हैं, लिक्विड एंड गैस दोनों को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोलते हैं। तो ये थोड़े पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, तो ये नोट करने वाले पॉइंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पहले ही इसको नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते। बस एक बार हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है कहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो एक बार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और फिर अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइज आज। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट की बात करें, तो सॉलिड का जो मास होता है वो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट एंड शेप भी फिक्स्ड होता है। बोलो क्लियर है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल पास पास होंगे, पास पास होंगे तो इनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तीन पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं तो अब वो चल फिर नहीं सकते तो अपनी जगह पे रिजिड होके और सिर्फ वाइब्रेट करते रहेंगे। तो सॉलिड में कौन सा मोशन होता है गाइज, दे पार्टिकल्स आर फिक्स्ड पोजिशन, हैव फिक्स पोजिशन एंड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मेन पोजिशन।
तो इनकी जो मेन पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है, उसके इधर उधर सिर्फ वाइब्रेट कर पाएंगे ये, और ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं दिखाते। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। रिजिड तो होंगे क्योंकि जिसमें भी वाइब्रेटरी मोशन होगा, सिर्फ वाइब्रेटरी, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन ना हो, तो जिसमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन हो उसको कौन सा बोलते, क्या बोलते हैं उनको, रिजिड बोलते हैं, और जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड बिकॉज दे हैव ट्रांसलेटरी मोशन, एंड सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग लेस इंटर पार्टिकल स्पेस। बोलो क्लियर, कोई भी रीजन लिख सकते हैं जोड़ के। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, क्योंकि हमें पता, देखो सॉलिड में पार्टिकल पास पास हैं, तो पास पास हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेंसिटी क्या होगी, हायर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। बोलो क्लियर है। उनका डिफ्यूजन भी क्या होता है, बहुत कम होता है, वही सेम रीजन, क्योंकि उनके अंदर रिजिड होते हैं वो, वाइब्रेटरी मोशन उनके अंदर होता है, उनके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, इसलिए उनका डिफ्यूजन भी क्या होता है, कम होता है। गाइस तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर लिखेंगे, सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनको क्लासिफिकेशन, हम ना हमारा जो पहला टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को हम ना दो बेसिस में बांटेंगे, एक तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और फिर हम इस अरेंजमेंट में दो टाइप के पढ़ेंगे, एक तो अमरफस पढ़ेंगे और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे, और फिर अगला क्लासिफिकेशन इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बात समझ में आई, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो टाइप के पढ़ने हैं, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट के बेसिस पे अमरफस एंड क्रिस्टलाइन होंगे। अब पूरी यूनिट, जैसे ही हमने अमरफस और क्रिस्टलाइन पढ़ा तो पूरी यूनिट क्रिस्टलाइन पे शिफ्ट हो जाएगी, तो अगला क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होने वाला है। मतलब एक बार शुरू शुरू में हम अमरफस सॉलिड्स के कुछ पॉइंट जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद हमें अमरफस पूरी यूनिट में कहीं नहीं देखना, सब जगह पूरी यूनिट कहाँ शिफ्ट होने वाली है गाइज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब हमें पता है जो पार्टिकल्स है सॉलिड स्टेट में पास पास रहने वाले, अब ये जो पार्टिकल है ये अरेंज कैसे हो रहे हैं, ठीक है, वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक, या दो ब्लैक एक साथ आ जाए, दो वाइट एक साथ आ जाए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है, तो उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाए। तो गाइज इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, ACMH, ACMH, TP, AIE, और इसी तरह से आपको याद रखना है। देखो ACMH चार का एक पेयर, TP का एक पेयर, ठीक है, AI और E, बोलो क्लियर है कि नहीं है, तो ऐसे ही हमें याद रखना है। और इस साइड हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस साइड लिखेंगे अमरफस सॉलिड्स, ठीक है। तो कितने टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट हम टू टाइप से सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसकी ट्रिक भी हमने बना ली, ACMH, TP, AIE, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल टू टाइप से, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक अमरफस सॉलिड है। पूरी यूनिट में अमरफस सिर्फ यहीं पे यूज होगा, बाद में पूरी जगह क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइन को प्रायोरिटी देंगे, तो क्रिस्टलाइन इस साइड लिखना है और अमरफस बाद में लिखेंगे। तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर, ठीक है। तो मतलब कि अगर मान लो एक वाइट हो फिर एक ब्लैक हो, एक वाइट हो फिर एक ब्लैक हो, फिर एक वाइट हो फिर एक ब्लैक हो, तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना ये रेगुलर रहेगी, और लॉन्ग टाइम तक रेगुलर, मतलब हर ही जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पे ही रेगुलर रहेगी, तो हर जगह पे रेगुलर रहेगी, इसीलिए इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब जब इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की रेगुलर हो जाए, देखो A फॉर अरेंजमेंट, इसमें कैसी है रेगुलर, इसमें कैसी होगी इरेगुलर, इसमें इरेगुलर, अमरफस में दो ब्लैक एक साथ आ गए, फिर एक वाइट आ गया, फिर हमें पता है
कि दो ब्लैक फिर से आ गए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस हिसाब से और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाए, दो ब्लैक फिर से आ गए, फिर अपने को पता एक वाइट आ गया, या दो वाइट आ गए, या तीन वाइट आ गए, फिर अपने पास एक ब्लैक आ गया, फिर दो वाइट आ गए, तो इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाए। तो इरेगुलर जब अरेंजमेंट होगी तो वो कौन से सॉलिड होंगे? अमरफस। द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर, और ये कभी कभी हम बात करेंगे बाद में भी, अमरफस में कोई छोटी सी जगह पे रेगुलर अरेंजमेंट पॉसिबल होती है, और वो छोटी सी जगह जहाँ पे बिल्कुल मतलब माइक्रोमीटर स्क्वायर या माइक्रोमीटर क्यूब की रेंज की बात की जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल रेंज में जहाँ पे ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइट। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइट, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इसलिए इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन हुए? क्रिस्टलाइन हुए, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर कौन हुए? अमरफस हुए। तो मेरे ख्याल से ए फॉर अरेंजमेंट अपने को क्लियर हो चुका है। अरेंजमेंट रेगुलर, अरेंजमेंट क्या होगी? रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। ठीक है। सी फॉर क्लीवेज, अगर हम इनको काटें नाइफ से, तो नाइफ से काटेंगे तो ये रेगुलर कट देंगे। क्या देंगे? बिल्कुल रेगुलर कट अपने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर इनको काटें तो ये रेगुलर कट नहीं देंगे, इरेगुलर कट देंगे। क्या देंगे? इरेगुलर कट। तो देखो, ए से अरेंजमेंट रेगुलर, कट क्लीवेज रेगुलर, ए से अरेंजमेंट इरेगुलर, क्लीवेज इरेगुलर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जैसे अगर हम बात करें रबर को, अगर काटे तो रबर बिल्कुल साफ नहीं कटता वो। ठीक है। उसमें ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े मतलब कि अपने को उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, तो वो साफ नहीं कटा। जो भी साफ नहीं कटेगा वो क्या होगा? अमरफस सॉलिड होगा। क्या होगा? वो अमरफस सॉलिड होने वाला है। बोलो क्लियर है? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एम एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, अगर मान लो मैं बात करूं वाटर की, ठीक है, तो अगर मान लो हम वाटर की बात करें, तो वाटर अपने पास आइस है। ठीक है। मैंने यहाँ पे आइस का टुकड़ा ले लिया, आइस ले ली, इसमें थर्मामीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? थर्मामीटर लगा दिया यहाँ पे। अब इसको नीचे से अपन हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं यहाँ से। तो हीट कर रहे, तो अपने देखा कि जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं, मान लो टेम्परेचर इसका -10 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता है। ये -9 आया, -8, -7, -6, ठीक है, और ऐसे करते करते ये आ गया -1 डिग्री सेल्सियस, और फिर हमने देखा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, और 0 डिग्री पे ये थोड़ा थोड़ा सा आइस मेल्ट होना शुरू हो चुका था। मतलब 0 डिग्री आते ही ये कुछ आइस बची थी और कुछ पानी बनना स्टार्ट हो गया था। और फिर हमने देखा, गजब की बात हो गई, कि ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ ही नहीं रहा, ये फिक्स हो चुका 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक ये पूरी की पूरी आइस लिक्विड में ना चेंज हो गई हो। इसका मतलब 0 डिग्री बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर था जहाँ पे ये क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो बिल्कुल शार्प होंगे, डेफिनेट होंगे। ठीक है। हैव शार्प डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? किस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। किस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड। वही अगर मान लो मैं प्लास्टिक या रबर की बात कर लेता हूँ, अभी अभी हमने रबर की बात की, रबर की बात करने लग जाए, तो रबर को जब अपन मेल्ट करने लग जाएंगे तो पहले वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट होगा, फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मान लो मेल्ट 40 डिग्री सेल्सियस पे होना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और 60 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो मेल्ट होगा, तो वो एक रेंज में मेल्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक रेंज में मेल्ट होते हैं। ठीक है। वाइल अगर बात करें, ठीक है, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक टेम्परेचर में क्या होंगे? रेंज। ठीक है। तो वो उन्हीं को क्या, इसीलिए क्या कहते हैं? लिक्विड्स एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो यहां तक मुझे ख्याल है कि अपने को ACMH, ठीक है, तो M तक सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। ACMH को एक साथ लिखना है ना, ACMH। ठीक है। तो अरेंजमेंट रेगुलर क्रिस्टलाइन में, इरेगुलर अमरफस में। ठीक है। क्लीवेज रेगुलर क्रिस्टलाइन में, इरेगुलर अमरफस में। मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्रिस्टलाइन में, एंड रेंज में किस में? अमरफस में। बोलो क्लियर है? और मेल्टिंग पॉइंट से ही हम हीट ऑफ फ्यूजन को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी? हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम 1 ग्राम सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं उसी को तो हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो क्योंकि देखो, मेल्ट होना मतलब फ्यूजन प्रोसेस है।
ठीक है, जब सॉलिड किसी भी लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में एक फिक्स टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज चाहिए उसको। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में चाहिए, क्रिस्टलाइन में। तो इसीलिए दे डू हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फिक्स है इनकी हीट ऑफ फ्यूजन और हमेशा उतनी ही रहने वाली है, हमेशा फिक्स रहने वाली है। ठीक है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ACMH वाला पूरा पार्ट अपना कवर हो चुका है गाइज। ठीक है, एक बार हम फिर से थोड़ा सा जल्दी से, ए से अरेंजमेंट रेगुलर इरेगुलर, सी से क्लीवेज रेगुलर इरेगुलर, एम मेल्टिंग बाइंड क्रिस्टलाइन में डेफिनेट, एंड उसमें क्या होगा, एक रेंज में मेल्ट होगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, थ्री अब हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक होगी क्रिस्टलाइन में, और अमरफस में डू नॉट हैव हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अगले टीपी। अब टीपी को अपन ने टी को इधर लिखना है और पी को इधर। अब दो दो के पेयर में ऐसे ही है हर जगह पे। ठीक है, टी फॉर ट्रू सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन होंगे उनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं और अमरफस को हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, या इन्हीं को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, स्यूडो मतलब नकली। एक्चुअली है क्या, जो लिक्विड हैं एक प्रकार से उनकी प्रॉपर्टीज अमरफस से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो इसलिए लिक्विड की प्रॉपर्टी अमरफस से कुछ मिलती जुलती हो रही हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, ये ऐसे लिक्विड है जिनको कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर दिया गया है, ज़्यादा ही क्या कर दिया गया है, ठंडा, और इसीलिए ज़्यादा ठंडा होने से वो सॉलिड बन गए, तो इसीलिए इनको क्या बोला है, सुपर कोल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब नकली, जिनके अंदर सॉलिड्स की प्रॉपर्टी ना हो, और सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन वाली प्रॉपर्टी को हम सॉलिड की प्रॉपर्टी बोलते हैं। सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी, अगर किसी को अगर ये पता करना हो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का शार्प होता है तो वहीं से अपने को पता चल जाता है कि वो एक प्रकार से ट्रू सॉलिड है। तो ट्रू सॉलिड कौन से होते हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं, जिनके हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ए एंड आई की। तो ए एंड आई, ए इधर लिखना है या आई इधर लिखना है, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है, ये हम अगली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, फिलहाल के लिए ये समझो कि अगर मान लो मैं यहाँ से, मान लो अपने पास ये पार्टिकल है, ठीक है, ये अपने पास पार्टिकल है, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है, फ्लैश लाइट क्या कर रखी है, ऑन कर रखी है, और लाइट मैं इधर से पास कर रहा हूँ, ठीक है, और एक बार सिचुएशन मैंने ऐसी बनाई कि इसी लाइट को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है, या यहाँ से पास कर रहा हूँ, इसी फ्लैश लाइट को मान लो मैंने यहाँ पे रख लिया और मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस फ्लैश लाइट को अगर मैंने यहाँ से पास किया तो ये कितने पार्टिकल्स के अंदर से जाएगी, तीन पार्टिकल्स से, तो यहाँ पे हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी, इसी तरह इसी फ्लैश लाइट को मैंने यहाँ से पास किया तो ये कितने पार्टिकल्स के अंदर से जाएगी, ठीक है, ये तीन और तीन छः पार्टिकल्स के अंदर, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो दोनों में थोड़ा फर्क होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो वही सेम सिचुएशन, अगर मान लो मैंने डायरेक्शन चेंज की और डायरेक्शन चेंज करते ही अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएँ तो उसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। तो एनआइसोट्रोपिक क्या है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ये अगली क्लास में पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद में ई फोर लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट अपना है ई फोर एक्सटर्नल ज्योमेट्री, ई फोर एक्सटर्नल ज्योमेट्री, ठीक है, तो एक्सटर्नल ज्योमेट्री रेगुलर होगी किसमें, रेगुलरिटी किसमें होगी, क्रिस्टलाइन में होगी, देयर इज रेगुलरिटी इन एक्सटर्नल शेप व्हेन क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, और देयर इज नो रेगुलरिटी इन एक्सटर्नल शेप व्हेन क्रिस्टल अमरफस सॉलिड्स आर फॉर्म्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं है। और अमरफस के हमें तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं, ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ये तो हमें बिल्कुल याद होने ही चाहिए, ये तीन एग्जाम्पल बिल्कुल याद होने चाहिए। ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ अमरफस सॉलिड,
ग्लास रबर एंड प्लास्टिक आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ अमरफस सॉलिड, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ तक पूरा रिवाइज कराना चाहूँगा गाइज, और आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे पढ़ने वाले हैं, तो सबको नोट्स बनाने हैं, सबको पढ़ाई करनी है ढंग से, जी लगा के अभी से स्टार्ट कर दो, सबको पढ़ाई जी जान से शुरू कर देनी है। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सॉलिड की कितनी स्टेट पॉसिबल हैं, तीन स्टेट पॉसिबल हैं, दो अपोजिट फैक्टर थे, एक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा थर्मल एनर्जी। ठीक है, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा थर्मल एनर्जी से, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो थर्मल एनर्जी से सॉलिड स्टेट, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो लिक्विड, और अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो तो गैसियस स्टेट। फिर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनका जो मास शेप एंड वॉल्यूम होगा वो डेफिनेट होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स शॉर्ट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होंगे, वाइब्रेटरी मोशन होगा, ठीक है, रिजिड होंगे, और इनके जो प्रॉपर्टी इनकी डेंसिटी होती है वो लिक्विड एंड गैसेस से ज़्यादा होती है, और इनकी डिफ्यूजन एबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है लिक्विड एंड गैसेस के कंपैरिजन में। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन हमें दो टाइप से पढ़ने हैं, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पढ़ना है, उसके बाद में हम क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे कितने टाइप से, दो टाइप से, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। और क्रिस्टलाइन और अमरफस ने हमने ट्रिक बना ली, ACMS TPAIE, ये अपनी ट्रिक है। क्रिस्टलाइन पूरी यूनिट में क्रिस्टलाइन पढ़ना है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, अमरफस को बाद में लिखेंगे। तो क्रिस्टलाइन में A4 अरेंजमेंट रेगुलर होगी, C4 क्लीवेज रेगुलर होगी, A4 एक्सटर्नल ज्योमेट्री भी रेगुलर होगी जब वो क्रिस्टल बनेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टलाइन में शार्प होगा। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, डेफिनेट होगी, ट्रू सॉलिड बोलते हैं इनको, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक होती है। अब अमरफस पे आ जाए, अरेंजमेंट इरेगुलर होगी, क्लीवेज इरेगुलर होगी, मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होगा, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, नॉट डेफिनेट होगी। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रू सॉलिड, इनको स्यूडो सॉलिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, स्यूडो सॉलिड बोलेंगे, और ये क्या होंगे, आइसोट्रोपिक होगी इनकी प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में अपने को सेम प्रॉपर्टी मिलने वाली है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक्सटर्नल ज्योमेट्री इनकी क्या होगी, इरेगुलर होगी गाइज। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जुड़ जाएं, और जब तक अपने पास ये लॉकडाउन सिचुएशन रहेगी तब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डेली एक लेक्चर लेके आऊँ आप लोगों के लिए, और ये ज़रूर फायदेमंद होगा, क्योंकि डेली अगर आप एक क्लास पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और NCERT लेके बैठे फिलहाल के लिए, और जिनको IIT या NEET की तैयारी करनी है तो WhatsApp ग्रुप पे जुड़े, मैं वहाँ से DPP और उनको मतलब असाइनमेंट्स देने की कोशिश करूँगा ताकि वो उनको सोल्व करें गाइज। ठीक है गाइज, चलो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।